महिला पहलवानों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय पहलवान संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने महिलाओं का यौन शोषण किया। इसके लिए वे दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। गोंदिया में दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में कैंडल मार्च के दौरान गोंदिया के नेहरू चौक पर खिलाड़ियों और सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च भी निकाला। इस बार बृजभूषण सिंह के खिलाफ नारेबाजी की गई। बृजभूषण सिंह को भी उनके पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कड़ी सजा की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। हमने आज इस चीज का निषेध किया है कि भारत को सोना दिलाने वाली हमारी महिला खिलाड़ी आज अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। अब आज अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। आज ये दिन हम महिलाओं को देखना पड़ रहा है कि वो उतने अच्छे पद पे होने खिलाड़ी होने के बावजूद भी उसे खुद के न्याय के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। स्थिति इस विषय को लेकर है कि महिला को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से उसका शोषण किया गया है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे गोंदिया में भी बहुत सी महिलाएं सभी स्तरों पर आगे है। कारण स्त्री की अस्मिता, स्त्री का अस्तित्व, स्त्री से वेगळेपण जपणं हे एक स्त्री म्हणून एक आणि एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून मला असं वाटलं आणि म्हणून मी या कैंडल मार्च मध्ये सहभागी झालेली आहे। एवढा मोठा भयानक प्रकार झाल्यानंतर सुद्धा शासन या कुस्तीपटूंची कोणती दखल घेत नसेल तर ही आमच्या देशासाठी अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे आणि म्हणून या गोष्टीचा आम्ही निषेध करतो आणि लवकरात लवकर या कुस्तीपटूला न्याय मिळून या मुलींचं या कुस्तीपटूंचं शारीरिक आणि मानसिक आणि लैंगिक शोषण करणाऱ्या। एनबीसी न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।